हाय नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, ये देख लीजिए भिंडी की फसल है, इसमें कितनी भिंडी लगी हुई है। और ये जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ज़रूरी टॉपिक है। जो भी किसान अगर वीडियो देख रहा है तो वीडियो को हमारी पूरी देखें, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे और बहुत काम का वीडियो होगा। आप देख सकते हैं कितनी भिंडी लगी हुई है, इधर से यहाँ तक चारों तरफ भिंडी देख लीजिए, इस तरीके से भिंडी लगी है। ये क्यों लगी है ये भिंडी, इसका यह सब देख सकते हैं आप, क्यों क्या इसका कारण है। इसका कारण यह है, अगर आप भिंडी लगाते हैं, आप कोई भी किसान हो, नया हो पुराना हो, कोई भी किसान हो, अगर आप भिंडी लगाते हैं तो भिंडी लगाते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप भिंडी को तोड़ सकते हैं या नहीं। जैसे आप अकेले हैं और अकेले आपने भिंडी भी लगा ली है और भी सब्ज़ियाँ चार पाँच सब्ज़ियाँ लगा ली है, तो आप भिंडी ना लगाएँ, क्योंकि भिंडी का जब तक भिंडी महंगी बिकती है, 20 रुपया किलो तक जाती रहती है खेत से, या 10 रुपया किलो तक जाती रहती है, तब तक बड़ी आसानी से भिंडी तोड़ सकती है, कोई भी तोड़ सकता है, आप लेबरी पे भी तोड़ा सकते हो या किसी भी तरीके से तोड़ा सकते हो। लेकिन जितने घर भिंडी का रेट 5 रुपया किलो खेत में होता है, उस समय आप भिंडी नहीं तोड़ा सकते हो। और अकेले हो आप, और मान लिया आप अकेले हो, 4 बीघा खेत में पूरा रोज़गार किए हो, तो आप क्या क्या करोगे, भिंडी तोड़ोगे कि लौकी की, खीरा की, लुबिया, क्या क्या करोगे। तो हम उन किसानों को ये जानकारी देना चाहते हैं, जो अकेले किसान हैं, अकेले किसानी करते हैं, वो भिंडी की खेती जब ही करें जब उनके पास तोड़ने वाले इतने अवेलेबल हों। अगर तोड़ने वाले ना हों तो ये भिंडी की खेती ना करें। आप देख सकते हैं हमारी भिंडी ये क्यों इतनी लगी है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, और अकेला हूँ ये, यहाँ से चारों तरफ हमारा खेत देख लीजिए, ये सब पूरा खेत है, ये उधर रोसा है, खीरा है, मूँगफली है, उधर खीरा था, इधर लौकी थी, इधर लुबिया है, इधर प्याज था, ये सब भिंडी थी, और उधर वो खेत देख रहे हैं, उधर भी पूरा फिर कद्दू है, तुरई है, ये सब। तो अकेले के खातिर ये भिंडी रह गई। अगर दो चार लोग तोड़ैया हों आपके घर में, तो आप भिंडी बोएं, बिल्कुल बोएं, भिंडी से आपका नुकसान नहीं होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। ये देख लीजिए कितनी कितनी भिंडी लगी है, ये सब भिंडी लगी है, ये सिर्फ इसी के लिए रह गई। और भिंडी में भुनगा बहुत ज़्यादा लगता है, भिंडी का रेट ना मिलने की वजह से ये भिंडी इतनी ज़्यादा लगी है, भिंडी का रेट ना मिलने से। और वैसे हम भिंडी की खेती दो तीन बार किए हैं, लेकिन इस बार अचानक रेट गिरा फिर उठा नहीं, और अचानक रेट गिरने के बाद फिर उठा नहीं, तो आप अकेले क्या करोगे। भिंडी आप जब ही बोएं, जब आपके पास भिंडी तोड़ने वाले लोग अवेलेबल हों, जो आपके हाँ या तोड़वा सकते हो, या कम मंजूरी चलती हो, हमारे वहाँ तो भिंडी की मंजूरी, इतनी भिंडी तोड़वाने में रुपया खर्च होता हमारा 200, और भिंडी की सेल होती है 100 रुपये की, बताइए क्या हो, भिंडी को रखा जाए या भिंडी को हटाया जाए। इसी के लिए हमने भिंडी छोड़ दी थी। जो भी हमारा किसान वीडियो देख रहा है हमारे वीडियो को, और खेती बाड़ी से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।